साल 2025 में संगम की धरती पर आस्था का मेला लगने वाला है। एक ओर लोग आस्था के महाकुंभ को बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस बार महाकुंभ में अखाड़ों के स्नान के नंबर को लेकर घमासान छिड़ गया है। सबके अपने दावे हैं, कोई परंपरा की दुहाई दे रहा है तो कोई भीड़ का तर्क। क्या है ये मामला, रिपोर्ट देखिए। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है और इस महाकुंभ में अखाड़ों के स्नान के क्रम को लेकर इस बार बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। परंपरा के मुताबिक प्रयागराज में होने वाले कुंभ और महाकुंभ में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सबसे पहले शाही स्नान करता आया है, लेकिन इस बार महाकुंभ में अखाड़ों के शाही स्नान के क्रम में बदलाव की तैयारी की जा रही है। जूना अखाड़े को सबसे पहले शाही का मौका दिए जाने की बात चल रही है और इसके पीछे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की अपनी दलील है। हमारा इस बार का जो प्रयास है जूना अखाड़ा, इसमें लाखों की संख्या में संत महात्मा होते हैं और इसमें एक ही अखाड़ा नहीं है, इस अखाड़े में कई अखाड़े शामिल है। दत्त अखाड़ा भी इसमें है, आपने देखा हुआ हमारे किन्नर समाज भी इसमें है और नाना प्रकार के जितने भी दल है वो सभी दल जूना अखाड़े में है। तो मेरा प्रयास रहेगा, हम सब मिलकर के सन्यासी मिलके सन्यासियों का प्रयास रहेगा कि प्रथम स्नान जो है जूना अखाड़ा को दिया जाए, क्योंकि जब हमारा जो स्नान होता है उस समय जब जूना अखाड़ा हमारे पीछे होता है हमें धक्का दिया जाता है, हमें धक्का लगता है, क्योंकि जुलूस है, जुलूस कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा जुलूस होता है। जब लाखों की संख्या में संत होंगे, जब आपको धक्का देंगे, अब आगे बहुत कम संत है, पीछे ज़्यादा संत है, धक्के से आप में वो वाद विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। तो वहीं शाही स्नान का क्रम बदले जाने की बात पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव महंत यमुनापुरी ने विरोध किया। उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी को दो टूक कहा है कि अखाड़े के शाही स्नान का क्रम संख्या बल से नहीं बल्कि परंपरा के आधार पर तय होगा। प्रयागराज कुंभ और महाकुंभ में सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के शाही स्नान की परंपरा है। आबादी, संख्या परंपरा का आधार नहीं है, परंपरा का आधार है जो पहले से ही हमारा चलता हुआ क्रम आ रहा है और पहले क्रम में पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी प्रयागराज के इस पूर्ण कुंभ में और अर्ध कुंभ में, जो भी प्रयागराज में कुंभ लगता है इसमें पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अटल अखाड़ा ये लोग पहले स्नान करते हैं, उसके बाद श्री पंचायत निरंजनी अखाड़ा उसके बाद और आनंद अखाड़ा उसके बाद करते हैं, उसके बाद श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा और उनके साथ में आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा, ये क्रम है। उसके बाद हमारे वैष्णव सन्यासी वैष्णव अखाड़े हैं, उसके बाद फिर उदासीन अखाड़े हैं और फिर लास्ट में निर्मल अखाड़ा। ये हमारे अखाड़ों के स्नान का यहाँ का क्रम है, कहाँ का, प्रयागराज का, और ये सदियों से चल रहा है, कोई आज से नहीं, उन सिद्ध पुरुषों ने कभी बनाया था सबने बैठ करके, तो उसको अब बदलने का कोई औचित्य होता नहीं। बहरहाल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भले ही ये दलील दे दी हो कि व्यवस्था की वजह से शाही स्नान के क्रम में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि अखाड़ा परिषद दो फाड़ हो चुका है। महंत रविंद्र पुरी का दावा है कि उन्हें 8 अखाड़ों का समर्थन हासिल है और महंत यमुनापुरी के साथ 5 अखाड़े डटे हैं। ऐसे में अगर महाकुंभ में अखाड़ों के शाही का क्रम बदलता है तो इस मुद्दे पर अखाड़ों के बीच घमासान देखने को मिल सकता है। सर्वेश दुबे, न्यूज 18, प्रयागराज। और ये बढ़ रहे हैं, आगे आपको बता रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सियासत के बीच में उत्तराखंड के बाहरी और भीतरी मुसलमान के बीजेपी के नए कार्ड ने कांग्रेस को सियासी भंवर में ला खड़ा कर दिया है। अब देखिए क्या कांग्रेस बीजेपी के इस बयान का समर्थन करेगी और यदि नहीं तो फिर उसकी अपनी लाइन क्या होगी। इस पर कांग्रेस का स्टैंड अभी साफ नहीं है, आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद के बाद थूक जिहाद को लेकर राजनीति गर्म है। बीजेपी का कहना है कि यह उत्तराखंड के नहीं बाहर से आकर रहे मुसलमानों का काम है। बीजेपी ने उत्तराखंड वर्सेस बाहरी मुसलमान के नारा देकर नई बहस शुरू कर दी है। इस पर यह कहकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मोहर लगा दी कि देवभूमि को कलंकित करने वाले
ऐसे लोगों को वे मिटाकर ही दम लेंगे। दरअसल बीजेपी ने उत्तराखंड वर्सेस बाहरी मुसलमान का नारा देकर एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। इससे जहां उसने उत्तराखंड के परंपरागत वोटर्स को साधने का काम किया है, वहीं बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाती रही कांग्रेस को भी बैकफुट पर ला दिया है। उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए, जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ही बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं भाइयों बहनों, अनेक ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो निर्णय हमारे कुछ कठोर हैं लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए जो जरूरी है हम उसको भी ले रहे हैं। कोई मूत्र वाली चाय थूक वाले भोजन कराएंगे तो आपकी दुकान चलेगी, ये एक षड्यंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के मुसलमानों के कारोबार पर पड़ने वाला है। इसलिए बड़ी कड़ाई के साथ यहाँ के मुसलमानों को इन तथाकथित जो बाहर से आ रहे हैं, इस एक षड्यंत्र के तहत आ रहे हैं, इनका विरोध करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। बीजेपी ने एक तरह से ये मैसेज दे दिया है कि उसे उत्तराखंड में पीढ़ियों से रहते आए मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके इस बयान ने कांग्रेस की दिक्कत जरूर बढ़ा दी है। बीजेपी की इस नई गुगली का उसके पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अब मुसलमानों को भी आपस में लड़ाने का काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो विभाजन करना है, किसी न किसी तरह से हिंदू मुस्लिम करना है, किसी न किसी तरह से धर्म के आधार पर लोगों को बांटना है। अब इनको लगता है कि उत्तराखंड में तो भाई 12 से लेकर के और 15-16% मुस्लिम भी है, तो अब बाहर का मुसलमान और अंदर का मुसलमान। उत्तराखंड की 1.25 करोड़ आबादी में 16% स्टेक होल्डर मुस्लिम आबादी भी है, लिहाजा कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक स्थिति में हैं। लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अब थूक जिहाद के बीच उसकी इसी निर्णायक मौजूदगी को देखते हुए बीजेपी ने उत्तराखंडी वर्सेस बाहरी मुसलमान का बयान देकर एक तरह से अपना सियासी स्टैंड साफ कर दिया है। बारी अब कांग्रेस की है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।